जैसे ही मंथ शुरू होता था हमारी तकलीफें बढ़ जाती थी कि कैसे करेंगे, ग्रोसरी कैसे लाएंगे, कैसे पूरा करेंगे, 325 लोगों का खाना बनाना है, 11 लोगों का स्टाफ है, सब कैसे पूरा होगा। लेकिन जब से डोनेट कार्ड से संधि हुई हमारी तो, और उसने बताया कि हम सारी ग्रोसरी जो है हम आपको भेज रहे हैं, तो मैंने मेरे सीनियर सिटीजन सब माँ बाप को भी बताया कि अब तकलीफ की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक हमको जहाँ से जो ग्रोसरी वालों के उधर से जो क्वालिटी मिलती थी वो लाना पड़ता था, लेकिन आज ये हुआ है कि डोनेट कार्ड का जो सामान आया है वो एकदम उच्चतम क्वालिटी का आया है, और वो जैसे सीनियर सिटीजन को मुझे देने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं हो रही है, खाना भी बहुत अच्छी तरह से बन रहा है, तो सब बेहद बहुत खुश है। आज मैं 325 सीनियर सिटीजन तक पहुंच रहा हूं, लेकिन मेरे पास 80 नाम जो है 70-80 नाम कुछ वेटिंग लिस्ट में थे, तो मैं ना नहीं पहुंच पाता था क्योंकि मेरे पास इतना डोनेशन और ग्रोसरी का व्यवस्था नहीं था। डोनेट कार्ड के संपर्क में आने के बाद में जब बात हुई तो उसने जो है सारी चीज़ें ग्रोसरी आज मुझे भिजवाई है, तो अब मैं जो है 70-80 जो मेरे पास वेटिंग लिस्ट में नाम है उसको भी मैं खाना दे सकूँगा, तो बहुत खुश हूँ कि ये जो 80 मेरे सीनियर सिटीजन है वो भी आज के बाद खाना खा पाएंगे। हमारा इधर 2-2.5 हज़ार से टिफिन आ रहा है डॉक्टर साहब का, सबको भी ऐसा सुविधा दो, आगे बढ़े, हमारा आशीर्वाद है। खुश हूँ मैं बहुत कि डोनेट कार्ड के जरिए और इन डोनरों के जरिए आज हमारे सीनियर सिटीजन जो माँ बाप है उन तक ये ग्रोसरी पहुँची है और हम उसका खाना बना के इन सीनियर सिटीजन तक पहुँचाते हैं। ये जो आप मेरे पीछे जगह देख रहे हो वो मैंने उन निराधार असहाय और लाचार माँ बाप के लिए लिया है, तो हाल ही में मैंने ये 25,000 स्क्वायर फीट जगह उनके आवास के लिए ली है और उनको नाम दिया है मैंने माँ बाप नू मंदिर। उससे भी ऊपर मेरा विचार तो यही है, जहाँ जहाँ ऐसे माँ बाप का मंदिर की ज़रूरत है मैं वहाँ पहुँचूँ और ऐसे माँ बाप के मंदिर का निर्माण करूँ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव।